बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के हवाले से बात करेंगे। मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र के को आप अच्छी तरह जानते हैं और इन दोनों के हवाले से जो अप्रैल 2018 में एक चीज़ सामने आई थी वो ये था कि मीशा शफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया था अली ज़फ़र के ऊपर कि उन्होंने उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा किया, और ये जिनसी हिरासगी का मामला सोशल मीडिया की जीनत बना था मीशा शफ़ी की ट्वीट के बाद। तब आपको याद होगा मी टू की एक मुहिम चल रही थी जिसके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस किया, किसी ने अली ज़फ़र का साथ दिया, किसी ने अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की, और फिर मीशा शफ़ी ने एक अलग से एक उसका ग्रुप बन गया जिसमें अली गुलपीर, लीना गनी, हमना रज़ा बहुत सारे लोग शामिल हो गए। उन्होंने भी अली ज़फ़र के ऊपर इल्ज़ाम की बुछाड़ की और अली ज़फ़र को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जी अली ज़फ़र ने दो काम किए। एक तो उन्होंने अदालत में बाकायदा तौर पर नोटिस किया जो है मीशा शफ़ी को हर जाने के केस का, और उसके भी ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अली ज़फ़र ने एक और काम किया। उन्होंने नवंबर 2018 में, ये अप्रैल 2018 का मामला है, नवंबर 2018 में अली ज़फ़र ने जो है वो FIA में भी एक दरख्वास्त जमा करवाई, और FIA की इस दरख्वास्त में साइबर क्राइम विंग में जमा करवाई गई जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो उनके खिलाफ तोहीन अमेज़ और धमकी अमेज़ मवाद पोस्ट कर रहे हैं, और ये जो है बाकायदा तौर पर इस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी FIA ने, और ये मामला तब से चल रहा था। आज जो है इसके ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि FIA ने बिल आखिर तमाम गवाहान को बुलाकर उनके बयानात रिकॉर्ड करके सारा एक प्रोसेस जो मुकम्मल करके FIA ने जो है वो अब जो है अपना चालान पेश कर दिए, और ये चालान जो है वो ज़िला कचहरी में ज़ुल्फ़िकार अली बारी FIA के जज हैं उनकी खसूसी अदालत में ये चालान जमा हुआ है। और इसमें बाकायदा तौर पर FIA ने मीशा शफ़ी की तरफ से, जो अली ज़फ़र की तरफ से शिकायत की गई थी कि मीशा शफ़ी और इसके साथी जो अकाउंट्स थे उनकी तरफ से जो डेरोगेटरी सेंटेंसेस और जो बहुत सारे रिमार्क्स और जो बहुत उनकी जो किरदार कुशी की गई उसके हवाले से हकायक खोलकर सामने रखती हैं, और इसके साथ साथ बिल्कुल वो जो मीशा शफ़ी ने जिनसी हिरासगी वाला मामला उठाया था उसका भी तकरीबन बांडा फूट गया है। और क्योंकि मीशा शफ़ी जो है वो अब इसका जवाब देने के लिए खुद आ नहीं रही, अब मैं आपको ये चालान की कॉपी मेरे पास मौजूद है, चालान की जो अहम नुकात हैं पहले आपको अंग्रेज़ी में पढ़ के सुना देता हूँ कि इस चालान में क्या लिखा हुआ है, किस किस के हवाले से बात की गई, और फिर उर्दू में जो इसकी तफसील है वो थोड़ी सी आपको आपकी समझ के लिए बता दूंगा। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है जी कि FIA का यह चालान है, और ये चालान 25 मार्च जो है, ये चालान जो है ये अब जमा करवाया गया है, और इसमें ये लिखा गया है कि कंसिक्वेंट अपॉन इंक्वायरी नंबर फलां डेटेड 14/11/2018 14 नवंबर 2018 की इंक्वायरी के ऊपर एक कंप्लेंट जो है वो रिसीव हुई थी अली ज़फ़र जो रेजिडेंट हैं लाहौर के, और इन्होंने ये कहा था कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, मशहूर शख्सियत हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, और कुछ लोग जो है वो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स यूज़ करके उनके खिलाफ डेफेमेटरी मतलब उनकी किरदार कुशी वाले कुछ पोस्ट कर रहे हैं, और उनकी करेक्टर असैसिनेशन हो रही है, और सोशल मीडिया जो है उनकी डैमेज, उनकी रिप्यूट को डैमेज किया जा रहा है। और फिर FIA कहता है कि इंक्वायरी के दौरान अली ज़फ़र ने जो है वो जो अकाउंट्स दिए थे उनमें ट्विटर आईडी थे मीशा शफ़ी का, फे अलिफ का, लीना गनी का, उमर इफ़त जो इफ़त उमर है उनका, जे माम है, हसीम मुअज़्ज़म है, और इसके अलावा मेरा पिछड़ा यार है कोई, अली गुलपीर, हमना रज़ा, निशा, मतलब बहुत सारे इसमें लोग हैं जिन और भी अकाउंट्स हैं जो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट थे उनकी तफसीलात दी गई थी अली ज़फ़र की तरफ से। अब FIA कहता है कि जी ये जो अली ज़फ़र ने अकाउंट दिए थे हमने इनके खिलाफ़ इंक्वायरी की, और इंक्वायरी का जब ये प्रोसेस हमने मुकम्मल किया तो उसमें ये पाया गया कि वाकई इन अकाउंट्स की तरफ से अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ जो है इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह के जुमले और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर हुई और इस्तेमाल की गई। और इसमें फिर जो है FIA अपने इस चालान में कहता है कि हमने मुख्तलिफ लोगों को जिनके हवाले से अली ज़फ़र ने दरख्वास्त दी थी हमने उनको बुलाया, उनमें से कुछ लोग पेश हुए, कुछ लोग पेश नहीं हुए, और कुछ लोगों ने जो है वो अपने, ज़ाहरी बात है जिस तरह एक बनाया जाता है किसी वकील को अपना, वो तो उन्होंने उनके ज़रिए रिप्रेजेंटेटिव तो उनके ज़रिए उन्होंने जवाबात जमा करवाए। अब ये सारा मामला जो है चलता रहा, इंक्वायरी होती रही, एक लंबी तफसील है, ज़ाहिर है मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, और इसके एंड में जाकर जो है जो FIA वो ये कहता है, इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द ट्रायल अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन नेमली मीरा शफ़ी, अलियास मीशा शफ़ी, माहम जवेद, लीना गनी, हसीमुज़्ज़मान,
फरीहा अयूब, इफ़त उमर, सैयद फैज़ान रज़ा, हमना रज़ा एंड अली गुल मेक काइंडली बी इनिशिएटेड प्लीज़। ये है इसका ख़ुलासा जिसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बाकायदा तौर पर किरदार कुशी की अली ज़फ़र की, उनकी जो वो थी उनकी शख्सियत को नुकसान पहुँचाया, इसलिए इनके ख़िलाफ़ ट्रायल किया जाए। अब ये है FIA का केस। अब इसके अलावा जो है उर्दू में आपको बयान कर देता हूँ, ये शिकायत जैसे मैं आपको बताया कि नवंबर 2018 में FIA के साइबर क्राइम विंग में अली ज़फ़र साहब ने जो है जमा करवाई थी और उन्होंने कहा था कि जी कई जो है अकाउंट जो हैं अप्रैल 2018 में जब मीशा शफ़ी ने जिनसी राजगी का उन पर इल्ज़ाम लगाया था उससे हफ्तों कबल कई जाली अकाउंट जो है वो गुलकार के ख़िलाफ़ मजमूम मुहिम का आगाज़ उन्होंने कर दिया था। और जो FIA ने सितंबर 2020 में मीशा शफी, इफ़त उमर, दीगर नामजद 9 अफराद के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था जिस पर तकरीबन तमाम मुल्ज़मान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली थी। अब जो है ये जो है ट्रायल चला और उसके बाद आपको उर्दू का बता देता हूँ कि हुआ क्या। अब इसमें ये हुआ है कि बड़ी पेशरफ्त हुई है मीशा शफी और अली ज़फ़र पर इल्ज़ाम के। अच्छा, अब इसमें FIA ने जो इस चलान में कहा, उन्होंने कहा कि जी मीशा शफी ने कहा तो था, इल्ज़ाम भी मीशा शफी ने जो है इल्ज़ाम लगाया था। जब मीशा शफी से हमने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो इसलिए लिख रही हूँ कि मैंने सच कहा है और ये मैं जो सब कुछ कह रही हूँ ये मैं लोगों की भलाई के लिए कर रही थी और मैं बता रही थी कि अली ज़फ़र किस किस्म का आदमी है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया मीशा शफी से कि ठीक है अगर आपको ये लगता है और आपने इल्ज़ाम लगाया है FIA तो इसकी हकीकत क्या है, आप इसके लिए इसके कोई सबूत दें, इसका कोई गवाह पेश करें कि अली ज़फ़र ने आपको जिनसी तौर पे हिरासा किया है, इसकी कोई आपके पास सबूत तो होगा, तो अब मसला ये हुआ कि अब मीशा शफी ना तो पेश हो रही हैं यहाँ भी नहीं FIA वाले में भी नहीं और अदालत में भी पेश नहीं हो रही और ना ही वो कोई प्रूफ दे सकी हैं, जमा करवा सकी हैं कि जिससे साबित हो कि जी अली ज़फ़र जो है उसने उसे जिनसी तौर पर हिरासा किया है। अब ये सारी चीज़ों में मीशा शफी भागी हुई हैं, मीशा शफी फरार हैं, तो इस मामले में FIA ने जब ये चेक किया कि इतने अरसा गुजरने के बावजूद मीशा शफी ना तो पेश हो रही हैं ना हमारे कहने पे कोई चीज़ जमा करवा रही हैं, तो उन्होंने अब जो चलान जमा करवाया स्पेशल कोर्ट में उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि जी इनके खिलाफ़ जो अली ज़फ़र ने दरख्वास्त जमा करवाई थी उनकी किरदार कुशी वाली, उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी वो सच है, इन लोगों ने ये किया वो तो प्रूव हो गया, लेकिन अली ज़फ़र ने इसको जिनसे हिरासा किया वो प्रूव नहीं हुआ, तो इसलिए इनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाए इन लोगों के खिलाफ जिसमें मीशा शफी भी और अली गुलपीर हमना और हमना रसा और लीना गनी और बहुत सारे लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। ये है FIA वाला चालान जो जमा करवाया गया। अब ये FIA की जो अदालत है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये खसूसी अदालत है, अब इसके ऊपर ये ट्रायल चलेगा। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, मैं खुद भी थोड़ा इस पर कन्फ्यूज़ था जब मैं इसको कवर कर रहा था। अली ज़फ़र ने दो चीज़ें की, एक तो ट्रायल चल रहा है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो अदालत में हर जाने का केस है, एक ही FIA वाली दरख्वास्त थी जो अली ज़फ़र ने जमा करवाई थी, दोनों दरख्वास्तें अली ज़फ़र की तरफ से हैं दोनों में। अब उसमें भी मीशा शफी पेश नहीं हो रही, उनकी वालदा पेश हो रही है, वो भी मशहूर एक्ट्रेस हैं, नाम मैं नहीं लेता, वो पेश हो रही हैं। लीना गनी जो है वो आई तो उसके ऊपर जबजीरा की गई, इफ़त उमर की एक दफ़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इस केस को देख तो रहा हूँ बड़े अरसे से, ठीक है, तो उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। मीशा शफी नहीं आ रही, जो मेन जिसने इल्ज़ाम लगाया था वो नहीं आ रही, वो कहते हैं जी कैनेडा में है, कोविड है, आ नहीं सकती, जब आप बुलाएंगे तो आ जाएगी, लेकिन अब उसमें भी एक पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर मैं वीडियो करूँगा किसी वक्त। अदालत ने उस पर फाइनली बुला लिया और कहा है कि जी मीशा शफी खुद पेश हों और आकर जवाब दें, वो भी पेशी करीबी है उसके, इंशाल्लाह जिस दिन होगा हेयरिंग तो उसकी आपको तफसील ज़रूर बताऊँगा और इसकी फिर आपको हिस्ट्री भी बताऊँगा जैसे FIA वाले की बताई है। तो अब तक की जो डिवेलपमेंट है उसमें यही हुआ कि मीशा शफी और उसकी जो टीम है पूरी जो उसके हमनवा हैं उन्होंने अली ज़फ़र के ऊपर जो एक ट्रेंड चलाया था ट्विटर के ऊपर, मी टू मुहिम में ये लोग शामिल हुए थे और उन्होंने पूरी एक कंपेन चलाई थी, तब मेरे ख्याल से आई थिंक उस वक्त अली ज़फ़र की एक फ़िल्म भी आ रही थी थीफ एंड ट्रबल, तो ये उस वक्त का वाकया और उसके ऊपर भी एहतजाज वगैरह भी हुए थे, वो मैं जब कोर्ट वाली वीडियो करूँगा तो उसमें आपको डिटेल बताऊँगा। तो बहरहाल जी मीशा शफी की जो जिनसी हिरासगी वाला मामला था उसका भांडा फूट गया है, FIA ने जो चलान जमा कराया, फ़िलहाल कोर्ट की हद तक मैं बात नहीं करता लेकिन FIA की हद तक मीशा शफी झूठी साबित हुई, मीशा शफी इसमें कुछ भी नहीं दे सकी माँ सिवाय इल्ज़ाम तराशी और उस ट्वीट्स के जो अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ करती रही है। तो ये डेवलपमेंट हुई थी, आज ये बाकायदा डेवलपमेंट थी, तो मैंने कहा इस केस के हवाले से भी वीडियो करूँ ताकि आइंदा भी फिर इसके ऊपर आपको करता रहूँगा अपडेट, और उस कोर्ट वाली जो हेयरिंग्स है अली ज़फ़र और मीशा शफी वाली उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोज़ करूँगा ताकि ये केस भी आपके सामने कन्वेंशनल मीडिया पर उस तरह कवर नहीं हो रहा, तो मैं कवर करके आपके सामने इसकी हकायक जो है वो आपके सामने
रखूँ। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किसी वीडियो तक इजाजत है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हमिन आसर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नबूद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक दिया करें, बेल आइकन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।